कैल्शियम की कमी के लक्षण नई पत्तियों में पहले दिखाई देते हैं। पत्तियां छोटी व विकृत हो जाती हैं एवं किनारे कटे फटे रह जाते हैं। टमाटर फूलगोभी में क्लोरोफिल इस तत्व की कमी के कारण होती हैं। मैग्नीज की कमी होने से पत्तियों की अंतःशिराओं में छोटे छोटे हरिमाहीन धब्बे विकसित हो जाते हैं। अधिक कमी होने पर धब्बे हल्के हरे रंग से बदलकर पीले, भूरे या सफेद हो जाते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व तो है वो जो सब्जी फसल में बहुत ही ज़रूरत पड़ता है। जैसे बोरान की अगर बात करते हैं, बोरान का कमी से जैसे आपने देखा होगा फूल गिर जाता है, बहुत सारे सब्जी में फूल पकड़ता है लेकिन उसमें फल नहीं ले पाता है और गिर जाता है। अगर ये एक पहला कमी है। दूसरा हो गया कि फल फटता है, बहुत जगह आपने देखा होगा जो भी टमाटर फल हुआ या जो भी सब्जी में फल अगर फट जाता है, ये हमारे बोरान की कमी से होता है। तीसरा कारण है कि फल अगर टेढ़ा हो जाता है, जैसे जो भी फल जो है होना चाहिए वो नहीं हो के वो टेढ़ा जब हो जाता है तो वो भी हमारा जो है बोरन की कमी से होता है। और ये जैसे भी फूल गोभी की अगर बात करते हैं, फूल गोभी में ऊपर में पत्ता जब आ जाता है तो ये बोरन की कमी से होता है। और डिसकलर अगर हो जाता है, कोई भी अगर फल पकने से पहले, मैच्योर होने से पहले अगर डिसकलर हो जा रहा है, ये भी हमारा बोरन की कमी से है। तो ये सभी जो है अगर आप देखा जाए तो बोरन बहुत ही ज़रूरत पड़ता है पौधे को। और जो स्वाद जो बोलते हैं सब्जी में जो स्वाद है जो नहीं आ पाता है, ये बोरन की कमी से होता है। तो ये बोरन के लिए आपने आपको डालना होगा 20 लीटर पानी में 20 ग्राम सलूबोर, नहीं तो बोरन 20, दोनों में से कोई एक खाद लेना होगा। 20 ग्राम बोरन 20, उसमें 50 ग्राम यूरिया मिलाना होगा और एक शैम्पू मिलाना होगा 20 लीटर पानी में। और जो घोल घोल बनेगा आपको 10 दिन के अंतराल में फूल धरने से पहले आपको इसको छिड़काव करना होगा 3 बार। मटर में मॉर्श स्पॉट विकार इसी तत्व की कमी के कारण होता है। कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि निदान के लिए एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को अपनाया जा सकता है। यह एक ऐसी विधि है जिनमें कार्बनिक, अकार्बनिक और जैविक स्रोत से मिश्रित उपयोग द्वारा पौधों को उचित मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध कराए जाते हैं। जैसे किसान भाइयों, जो कैल्शियम जो हम बता रहे थे, जिस हमारा जो अम्लीय मिट्टी होता है इस झारखंड में, यहाँ कैल्शियम की बहुत ही कम मात्रा होता है। और कैल्शियम की कमी से जो आपने देखा होगा कि टमाटर टमाटर के जो नीचे वो पूरा सूख जाता है, जो फल छोटा हो जाता है या सूख जाता है, ये सभी जो है क्या है ना, कैल्शियम की कमी से होता है। और फल जैसे बहुत जगह क्या होता है, फल छोटा हो जाता है और छोटा हो के ये क्या है गिर जाता है। तो ये सभी हमारा कैल्शियम के कमी से होता है। और ये मेन है कि कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए हमें जब मिट्टी की हमारे चूना पदार्थ डालना होगा। अगर चूना पदार्थ आपके पास अगर नहीं डाल पाते हैं, जिस टाइम में अगर फील्ड प्रिपरेशन करते हैं अगर चूना नहीं डाल पाते हैं, तो उसके बाद अगर हम छिड़काव भी कर सकते हैं, जो हमारे पास जो खाद उपलब्ध है कैल्शियम नाइट्रेट जो मिलता है, कैल्शियम नाइट्रेट हम उसमें छिड़काव कर सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट की जो मात्रा है हम इसमें 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करना है और उसके साथ हर में शैम्पू मिलाना है।